जय भारत, कैसे हो आप लोग। लास्ट वाले क्लास में हमने इवन ऑड फंक्शन पढ़ लिया है। अब इस वाले क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ही मतलब फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन, और क्या क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। फंक्शन एक इनपुट आउटपुट मशीन होती है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी हम लोग एक इनपुट के तौर पर दे रहे हैं इसको वैल्यूज़, तो ये क्या करेगा मशीन, इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। बराबर क्या, तो इस टाइप के मशीन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शंस ऐसा बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, ये कब मतलब ये फंक्शन होगा, कब रिलेशन होगा, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है। बराबर क्या, जो इनपुट देते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन होता है, और जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। बराबर क्या, अगर एरो डायग्राम से अगर मुझे बताना है तो यहाँ पे कुछ एक सेट होगा, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और बी एक सेट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, अगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को ए से लेकर बी के बीच में अगर कोई फंक्शन असाइन करना है तो ये सारे जो होते हैं, जो पहला सेट लिख रहे हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, और इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। बराबर, और यहाँ से अपने को क्या करना होता है कि हर एक इनपुट की क्या क्या वैल्यू आ सकती है उसको हमको दिखाना होता है। इसमें मानता हूँ 1 के लिए ए आ रहा है, 2 के लिए सी आ रहा है, 3 के लिए बी आ रहा है, ऐसे। तो ये इस टाइप के जो चीज़ें होती है वो फंक्शन होती है। अब यहाँ से जो रिलेशंस बनते हैं वो क्या होते हैं, जो 1 1 टाइप का अगर रिलेशन बनता है या फिर मेनी 1 टाइप का अगर रिलेशन बनता है तो इन दोनों टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं, और बाकी सारे चीज़ों को, बाकी सारे जो रिलेशंस बनेंगे वो फंक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से ये डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे, 1 2 3, ये डोमेन के एलिमेंट्स आ रहे, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, और इसके अगर कोडोमेन की बात करते तो ए बी सी डी 4 एलिमेंट थे, लेकिन उसमें से जो 3 एलिमेंट है मतलब ए है, बी है और सी है, इनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट है, प्री इमेज ए के अंदर एग्जिस्ट है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। बराबर है क्या, रेंज का मतलब ये एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट से इस रूल के थ्रू एक्सेस होना चाहिए। बराबर, ये जो ए बी सी है क्या हो रहा है कि ए के एलिमेंट्स मतलब कैपिटल ये जो ए सेट है उसके एलिमेंट से ये इस एफ रूल के हिसाब से वो एक्सेस हो पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। अब बात आती है कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, कि ऐसे फंक्शंस जो कि एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, तो एक से ज़्यादा फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैसे होता है, मतलब ऐसी मशीन्स जो कि क्या करना चाहिए कि ये सीरीज़ में आ जाना चाहिए, और एक का जो इनपुट है, एक ये इनपुट हम लोग इसको दे देंगे, इसका जो आउटपुट है वो दूसरी मशीन ले लेगी। बराबर क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग सीधा सीधा किसको इनपुट दे देंगे, ये जो पहली मशीन है M1, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट दे देंगे। बराबर है क्या, तो इसको इनपुट देने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या करेगा, ये जो आउटपुट किसका है, मशीन 1 का है, ये जो आउटपुट है ये दूसरे मशीन के लिए एज ए इनपुट जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, इसके लिए क्या जाएगा कि एज ए इनपुट जाएगा। अब ये जो मशीन है इस इनपुट को मतलब ये जो इसका जो आउटपुट है उसी को प्रोसेस करेगा और ये खुद का एक आउटपुट जनरेट करेगा। बराबर है क्या, तो अल्टीमेट हुआ क्या कि ये जो प्रोसेस है बीच की, मतलब किसका, इसका जो आउटपुट मिलना और इसका जो इनपुट मिलना, ये तो अंदर के अंदर ही मर्ज हो गई, अंदर के अंदर ही इसका प्रोसेसिंग चल रहा है, ये अपने को दिखेगा नहीं। बराबर क्या, तो क्या दिखेगा आपको, मतलब आपको दिखेगा ये इनपुट और ये आउटपुट वैसे ऐसा। बराबर क्या, तो ये इसका क्या हो जाता है, ये जब कनेक्टेड सीरीज में आ जाती है दो एक से ज़्यादा मशीन्स, तो ये होगा इसका डोमेन और ये हो जाएगा इसका रेंज। समझ में आ रही के बात आपको, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है इस तरीके से वर्क करते हैं। बराबर है क्या, तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देख लो, ये एक फंक्शन यहाँ पे है, एक फंक्शन यहाँ पे है, अब ये फंक्शन है क्या देख लो, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे डोमेन के अंदर, तीनों के तीनों लिंक्स अवेलेबल है और सेपरेट है और कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है, तो ये तो फंक्शन है। बी के लिए देख लो, बी के लिए भी कैसा है कि ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, चारों के 4 सेपरेट लिंक्स अवेलेबल है, मतलब 1 1 टाइप का रिलेशन, मतलब ये भी फंक्शन है। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि हमको डिफाइन करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन अगर डिफाइन करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मैंने क्या किया कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर डिफाइन करना है, कहाँ पे डिफाइन करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे डिफाइन करना है, समान के चलता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी ऑफ एफ ऑफ 2 ऐसा बन जाएगा। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए एफ ऑफ एफ के डोमेन में 2 अवेलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे देखा जाए तो एफ के डोमेन में 2 अवेलेबल है, तो यहाँ से 2 से हम लोग एफ से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आ जाए, जी ऑफ कितना आएगा, ये बी बन जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 2 के लिए कितना है,
बी के बराबर है। अब जी ऑफ बी की वैल्यू, जी ऑफ बी की वैल्यू कितना है, ये तो 4 के बराबर है, इसका मतलब अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा हूँ, बराबर क्या मतलब ये जो इंटरमीडिएट ये जो दो चीज़ें हैं वो तो मतलब ऐसे ही वैनिश हो जा रही है, मतलब ये प्रोसेसिंग का पार्ट है वैसे ये, मतलब कितना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट बराबर, ठीक है, इतना ये जो पार्ट है ये अपने को दिखाई नहीं देगा, ये अंदर के अंदर प्रोसेसिंग होगा, और अपने को ये वाला जो पार्ट दिखाई देगा ये हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का, मतलब किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन होगा, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होगा ये क्या होना चाहिए, ये इसका होना चाहिए रेंज। समझ मेरी बात आपको, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इसे ये अगर ये मान लेता हूँ कि शादी.com है बराबर, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लड़कों के भी डिटेल्स ले लेंगे और लड़कियों के भी डिटेल्स ले लेंगे, बराबर क्या, ये आपस में ही मैच करेंगे ये लोग, बराबर क्या, और इसका जो कनेक्शन है इस साथ लगा देंगे, तो बाद में क्या होगा, होना तो क्या है कि अल्टीमेट फंक्शन तो इन दोनों के बीच में जुड़ना है, मतलब रिश्ता तो इन दोनों के बीच में जुड़ना है, किसके बीच में, ए के बीच में और सी के बीच में, बराबर क्या, मतलब इधर से जो भी लड़का है डायरेक्ट आगे लड़की से ही मतलब ये होगा, शादी होगा ना, लेकिन इंटरमीडिएट कौन काम कर रहा है, ये शादी.com के, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके भी डिटेल्स ले लेगा, इसके भी डिटेल्स लेगा, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख जाता है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख जाता है तब जाके इसका और इसका वो लिंक लगा देगा, मतलब वो उनकी पहचान करा देगा, बाकी जो चीज़ें वो हो जाएगी, मतलब ये जो है एक इंटरमीडिएट स्टेज का काम करेगा वैसे इस टाइप से। अच्छा, ये एग्जिस्ट कब होगा, मतलब ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, अगर मान लेता हूँ कि ये कोई एक लड़का है, A1 नाम का कोई लड़का है, उसमें कोई प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसके पास कुछ गाड़ी है बंगला है वगैरह सब कुछ है, और यहाँ पे जो लड़की है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वही है कि किसको गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए वगैरह ऐसा कुछ चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो है चीज़ें और इसको जो चाहिए, अगर ये दोनों मैच होते हैं तभी जाके तो ये की इसके साथ लिंक लगेगी ना, बराबर क्या, इसका मतलब इस वाले बीच में प्रोसेसिंग, इस जो बीच की जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके इसके आउटपुट में और इसके इनपुट में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन जो है या फिर ये जो चीज़ है पॉसिबल हो जाएगी, 1 से 1 की जो लिंक है वो पॉसिबल हो जाएगी। अगर समझो इसमें यहाँ पे बी था, यहाँ पे कुछ एक्स था और यहाँ पे कुछ तो ये था, इन दोनों के रिक्वायरमेंट ही सेम नहीं है, तो यहाँ से 1 से और 1 के बीच में कोई रिलेशन नहीं लग सकता है। ये हम लोग यहाँ पे आप देख लेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो चीज़ है वो एग्जिस्ट कब करेगी, तो डोमेन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स जो होगा, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा मतलब किसका, इसका जो डोमेन है मतलब ए बी सी डी ये जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, एफ ऑफ एक्स का, एक तो ये होना चाहिए मतलब इस चीज़ का जो सबसेट है वो ये जो ए बी सी डी जो है मतलब ये बी जो होगा वो सबसेट होना चाहिए यहाँ पे, मतलब एफ का जो रेंज होगा उसका, तब जाके। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी, कैसे आएगी दिक्कत देख लो, अगर समझ मानता हो कि ये जो B है मतलब किसका, जो G का जो सबसेट है, G का जो डोमेन है, मान लेता हूँ कितना ये B है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, और ये जो F है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके रेंज के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके रेंज के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, बराबर क्या। और अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को अगर डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो देख लो, अब ये तो क्या हो रहा है कि ये जो सेट है मतलब डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये तो क्या हो गया कि रेंज का सबसेट तो हो गया, कि ये 2 एलिमेंट तो इसमें मिल गए मुझे, मतलब ये पार्ट इसका डोमेन तो है, बराबर क्या। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो सकता है क्या, तो एक्स की वैल्यू वन के लिए देख लिया, अच्छा एक्स वैल्यू ए के लिए देख लिया, एक्स वैल्यू ए के लिए यहाँ पे एफ जी, अच्छा ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, ओके ये वाला निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकालना है मुझे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट है या नहीं देखना है मुझे, ठीक है। अब देख लो, जब एक्स की वैल्यू ये होगी, एक्स की वैल्यू जब ये होगी तो उस वाले केस में कितना आएगा देख लो, जो एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे रख देंगे तो एफ ऑफ कितना आ जाएगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ ए बन जाएगा, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 की वैल्यू कितना होती है, ये तो पी के बराबर हो जाएगी, तो एग्जिस्ट हो गया। अब जी ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अब कहाँ पे निकाल देना है, मान लेता हूँ मैं अब एक्स की वैल्यू बी पे निकाल देना, एक्स की वैल्यू बी पे निकालना है तो जी ऑफ एफ ऑफ बी कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितना है, वो तो 2 के बराबर है, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए मुझे कितना है, वो तो क्यू के बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, कहाँ पे निकालना है, सी पे निकाल देना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ सी कितना है, 3 के बराबर है, तो जी ऑफ 3 कितना आएगा, यहाँ पे कोई इसमें इनपुट है ही नहीं, बराबर क्या।
तो इसका मतलब, इसका ये g ऑफ 3 की वैल्यू अगर नहीं मिल रही, मतलब ये तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनके दोनों के अंदर के प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और ये वैल्यू लेना ही नहीं पड़ेगा। तब जाके क्या होगा कि इस वाले केस में, मतलब डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स अगर सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि इसका जो डोमेन और ये जो रेंज है दोनों प्रॉपर बन जाए। बराबर क्या, इसके भी प्रॉब्लम हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देख लो, इसके बाद रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स सबसेट होता है डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स का। मतलब क्या, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट इतना दिख रहा है, ये अगर इसका सबसेट होता है किसका, इस वाले का, तो इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। कैसे, अगर इसमें समझ में आता है, इसके अंदर ये रेंज जो है ए बी सी, ये तीन ही एलिमेंट्स है, मतलब ये तीन एलिमेंट्स का कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे होगा ही, ये के अंदर कोई ना कोई प्री इमेज तो होगा ही। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी एलिमेंट से आ रहे होंगे, और ये तीनों के तीन एलिमेंट्स इसके अंदर है, ये तीन के तीन अगर एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ये एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मेरे पास पहले प्री इमेज है, फिर यहाँ तक आ गया, और यहाँ से आगे भी जाने के लिए कोई ना कोई मेरे पास लिंक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अगर डोमेन, अगर ये जो पार्ट है बी पार्ट क्या है, ये जो रेंज का पार्ट है, अगर इसका सबसेट होता है, मतलब जी के डोमेन का अगर सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल होंगे, ये सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल होंगे। और फंक्शन की बात क्या होती है, जितने भी किसी भी फंक्शन के डोमेन में एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं उसकी कोई ना कोई इमेज मिलती ही मिलती है। बराबर है क्या, इसका मतलब अगर ये सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है तो यहाँ से मुझे जाने का कोई ना कोई रास्ता होगा ही होगा रेंज तक। बराबर क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो सेट है, मतलब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर डोमेन का सबसेट होता है, तो उस वाले केस में ये फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट कर जाता है और ये पूरा पूरा इसका रेंज डोमेन बनेगा, और बाकी जो भी इसके जो फाइनल वैल्यूज आते हैं रेंज के, वो रेंज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तो अब देख लो ये हो क्या रहा है वैसे। बराबर क्या, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। अब हमने क्या बोला, जब ये एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है, बराबर क्या, इसका जो रेंज होगा, अच्छा पहले ये देख लेते हैं इसका जो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी इसी की बात करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर मुझे क्या करना है कि इसका डोमेन एंड रेंज निकाल देना है, तो कैसे होगा, ये कोई भी एक फंक्शन होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसमें डोमेन और रेंज अगर निकालना है तो जो डोमेन होगा वो किसका होना चाहिए, डोमेन देख लो ना यहाँ पे किसके हिसाब से डोमेन आएगा। अगर हम लोग इस मशीन की भी बात करते हैं ना, तो भी डोमेन जो आ रहा है तो कहाँ से आ रहा था, ये तो इंटरमीडिएट पार्ट ही हो रहा है, ये तो ऐसे भी निकल जाएगा। जो डोमेन होगा, जो पहला ब्लॉक होगा या पहली मशीन होगी जिसको हम लोग पहले इनपुट दे रहे हैं, उसका जो डोमेन है उससे हमारा डोमेन बनने वाला है। और जो रेंज आएगा, जो लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, उसका जो क्या आएगा, रेंज आएगा, उससे हमको क्या मिलने वाला है, हमारा रेंज मिलने वाला है। इसका मतलब हमारा पहला जो हम लोग एक्स किसको प्रोवाइड करने वाले हैं, इस अंदर वाले फंक्शन को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसका मतलब डोमेन जो आएगा, डोमेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये जो अंदर वाला जो फंक्शन लिखा है वो डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके जो भी वैल्यू आएगी वो कौन ले लेगा, जी ऑफ एक्स ले लेगा, और जी ऑफ एक्स फाइनल वैल्यू जनरेट करने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि रेंज के लिए ये बाहर वाला फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। बराबर है क्या, मतलब डोमेन अगर देखना है तो अंदर वाले फंक्शन से देखेंगे हम लोग, रेंज अगर देखना है तो ये बाहर वाले फंक्शन से देखना है। बराबर है क्या, मैं दो टाइप के फंक्शन ले लेता हूँ, दो टाइप के फंक्शन लेके मतलब ये दो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। कौन से, जब इसका डोमेन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स इसका रेंज का सबसेट होगा, या फिर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स डोमेन का सबसेट होगा। तो बराबर क्या, तो कैसे देख लेंगे, देखो ये तो बात समझ में आ रही है कि रेंज जो है बाहर वाले फंक्शन पे डिपेंड करेगा, सबसे लास्ट वाले फंक्शन पे, और डोमेन जो है सबसे अंदर वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा कितना भी अगर कंपोजिशन आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे जी एच ऑफ आ गया, जी ऑफ आ गया और एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब तीन तीन फंक्शन अगर आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले फंक्शन के ऊपर मेरा डोमेन डिपेंड करेगा, डोमेन जो है सबसे अंदर वाला जो फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो रेंज है वो क्या करेगा कि सबसे बाहर वाले फंक्शन के ऊपर, मतलब एच ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर समझो मान लेता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, अब इसकी बात कर लेता हूँ मैं, तो इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ किसका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका जो डोमेन होगा वो सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड है, सीधा सीधा है ये जी एफ ऑफ एक्स के ऊपर। और ये किसका कितना हो सकता है, एक तो इसके बराबर हो सकता है, मतलब कितना, डोमेन ऑफ
किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो सकता है, बराबर कौन सी वाली केस में, इस वाले केस में, ये लास्ट वाली केस में, इस वाले केस में जब रेंज जो होगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, तो उस वाले केस में जो होगा ये चीज जो होगी वो दोनों इक्वल होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। और अगर उसके ऊपर वाली केस में क्या होगा, ये इसमें से कुछ वैल्यू हटाना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा कि ये डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो सबसेट होगा या फिर उसके बराबर होगा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, मतलब अंदर वाले फंक्शन के ऊपर इसका डोमेन डिपेंड है, बस इतना ही। और रेंज किसके ऊपर डिपेंड है, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये किसके ऊपर होना चाहिए, तो सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन है, कौन सा लास्ट वाला फंक्शन है, जी ऑफ एक्स, एक तो इसके बराबर आता है रेंज, इस जी ऑफ एक्स के बराबर आता है या फिर इसका सबसेट बनेगा, समझ में आ रहा है आपको, इसका इसके बराबर तो आ सकता है या फिर इसका सबसेट बनेगा, ठीक है। ये कैसे है आप देख लेते हैं, पहला प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं, कैसे अगर मान लेता हूं कि एक लेते हैं साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स ले लेते हैं, ये पहला फंक्शन एफ एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है वो लेते हैं हम लोग साइन एक्स ऐसा, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ भी निकालो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, किसी के लिए भी देख लेते हैं हम लोग, हमको सिर्फ डोमेन और रेंज की बात करना है। तो एफ क्या है, एफ के अंदर जो भी एफ है उसके अंदर एक्स जो होगा उसके बदले मुझे रखना पड़ेगा कितना, जी ऑफ एक्स, मतलब कितना हो जाएगा ये देख लो, ये साइन इनवर्स ऑफ, इसमें एक्स जो आएगा उसमें रखना पड़ेगा जी ऑफ एक्स, जो कि कितना है साइन एक्स के बराबर है, ये क्या बन गया हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया। अब मुझे अगर इसका रेंज अगर चाहिए और डोमेन अगर चाहिए, देख लो, तो सबसे पहले डोमेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डोमेन डिपेंड करेगा ये साइन एक्स के ऊपर, क्योंकि ये अंदर वाला फंक्शन है, डोमेन जो है इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। और रेंज, रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो बाहर वाला फंक्शन है उसके ऊपर हमारा रेंज डिपेंड करेगा, इधर से अपने को रेंज मिलेगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन एक्स का अलग अलग बिहेवियर, साइन एक्स कैसा है और साइन इनवर्स कैसा है, इसके बारे में पहले मैं बोल दूँ। तो साइन एक्स का जो रेंज डोमेन आ जाएगा कितना आ जाएगा, आर आएगा, और रेंज कितना आ जाएगा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में आएगा। और साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में आ जाएगा, और रेंज जो होता है माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू के बीच में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो लिखा है दोनों के भी वो है डोमेन, और जो नीचे लिखा है दोनों के भी वो है रेंज, ओके। अब देख लेते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका डोमेन और रेंज निकालना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अब इसके अंदर, इसके अंदर अगर मुझे इसका डोमेन लिखना है तो मैं सबसे पहले इस साइन के हिसाब से सोच लेता हूँ, जो अंदर फंक्शन है उसके हिसाब से सोच लेता हूँ, और उसका पूरा का पूरा सेट ले लेता हूँ। साइन का जो पूरा डोमेन है कितना है, आर के बराबर है, तो इसका मैं अभी इनिशियली मान के चलता हूँ कि इसका डोमेन आर होगा। तो जो आर मैंने डोमेन बोल दिया है, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में, मतलब ये इंटरमीडिएट जो वैल्यूज जनरेट करेगा, बराबर है क्या, मतलब पहली मशीन जो है आउटपुट अभी जनरेट कर रही है, कितना कर रही है, माइनस वन से प्लस वन तक के बीच में। क्या दूसरी मशीन इतने आउटपुट ले सकती है क्या, दूसरी मशीन मतलब जो बाहर वाला फंक्शन जो है इतने सारे जो जो ये माइनस वन से प्लस वन तक ये जो साइन एक्स का जो आउटपुट है, मतलब इसका रेंज है, वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए क्या होगा, एज अ रेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए कितना बन जाएगा, वो डोमेन बन जाएगा, किसका, साइन एक्स का जो रेंज है साइन इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो क्या ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये माइनस वन से प्लस वन तक के सारे वैल्यू ले सकता है क्या, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितनी वैल्यू ले सकता है, तो माइनस वन से प्लस वन तक ले सकता है, इसका मतलब इसको इतने वैल्यू से कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सारे वैल्यू ले लेगा, और इस सारे वैल्यू लेने के बाद माइनस वन से प्लस वन के बीच में साइन इनवर्स ऑफ कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू तक के बीच में, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जब डोमेन निकाल रहा हूँ मैं, तो डोमेन कितना है, तो डोमेन है पूरे रियल नंबर्स, और रेंज कितना है, रेंज है माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू तक के बीच में। बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये क्या है, ये आर जो है, आर क्या है, ये डोमेन है, और ये जो माइनस वन से प्लस वन तक के बीच में है ये क्या है, ये तो रेंज के, रेंज है। अब देख लो जो डोमेन है उस, ये सबसेट या फिर इसके बराबर है क्या, साइन एक्स के सब डोमेन के सबसेट के बराबर या फिर उसके बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। और जो रेंज है कहाँ से आ रहा है, ये लास्ट वाले फंक्शन से आ रहा है, ओके।
ओके अब इसमें तो क्या होगा कि इसमें जो पूरा जो इसका जो डोमेन था वो पूरा पूरा ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आ गया, मतलब कंपोजिशन का भी डोमेन वही आ गया, और लास्ट वाले का जितना रेंज था ना वो सारे का सारा इतना आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जो पहली केस हमने डिस्कस किया था जैसे कि ये वाली केस में, जब डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, ये इक्वल में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही बनेगा। लेकिन जब ये जी ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वो अगर रेंज का अगर सबसेट बन गया ना, तो उस वाले केस में क्या होगा कि मुझे इसका जो डोमेन है ना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे जब सी ले रहा हूँ मैं वैल्यू, सी से कहाँ जा रही है, पहली मशीन थ्री के ऊपर जा रही है, और थ्री यहाँ पे है ही नहीं, थ्री अगर यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब मुझे इसके डोमेन में से तीन निकाल ही देना पड़ेगा, तब जाके इसका फंक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा। तो ये केस के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या, तो एक बार प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो मान लेते हो कितना है, एफ ऑफ एक्स जो है मेरा, एफ ऑफ एक्स जो है वो है लॉग एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स वही ले लेते हैं साइन एक्स ले लेते हैं, तो ये हो गया साइन एक्स। ओके अब देख लेते हैं, अब मुझे क्या करना है कि फिर से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफाइन कर देना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेते कैसे, लॉग एफ ऑफ एक्स कितना है, लॉग एक्स है, तो एक्स के बदले हमने कितना रख दिया, जी ऑफ एक्स रख दिया, और जी ऑफ एक्स कितना है, ये साइन एक्स के बराबर है। फिर से दोबारा आ जाते हैं, दो फंक्शन डिफाइन कर रहे थे हम लोग, एक तो साइन एक्स, तो इसका डोमेन कितना है, वो तो आर के बराबर है, और रेंज कितना है, माइनस वन से प्लस वन के बराबर है, और अगर ग्राफ देखना है मुझे साइन एक्स का, तो बस एक ही साइकिल बनाता हूँ, इतना होता है, ये सबको मालूम है, ये जीरो से लेकर पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, पाई से लेकर टू पाई के बीच में निगेटिव होता है, फिर से वही सीन हो जाएगी, पाई से टू पाई से लेकर थ्री पाई के बीच में ये फिर से पॉजिटिव होगा, और थ्री पाई से लेकर फोर पाई के बीच में फिर से निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा ये चलते जाने वाला है, बराबर है ना, तो ऐसा है, मतलब जीरो से पाई तक पॉजिटिव, पाई से लेकर टू पाई तक निगेटिव, और जीरो से लेकर पाई तक के बीच में कितना रेंज आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा जीरो से लेकर वन तक के बीच में, और पाई से लेकर टू पाई के बीच में कितना रेंज आएगा, ये आ जाएगा माइनस वन से लेकर जीरो तक, जरूरत पड़े तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके लॉग एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जब लॉग एक्स की बात कर लेते हैं, उसका डोमेन जो बनेगा ये बनेगा सिर्फ आर प्लस, मतलब जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, जीरो से मतलब पॉजिटिव साइड पे ही ये लॉग एक्स डिफाइन होता है। रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आएगा पूरा आर, बराबर है क्या। और अगर ग्राफ की बात कर लेते हैं, तो साइन लॉग एक्स का जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा, मतलब कितना वन पे आएगा जीरो, और बाकी जीरो प्लस पे आएगा इन माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पे आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये चीज़ें आपको मालूम है, ऐसा मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके अब देख लेते हैं, इसका मुझे रेंज निकालना है, इसका जब रेंज निकालना है तो, और डोमेन निकालना है, तो डोमेन तो किससे स्टार्ट होगा, अंदर वाले फंक्शन से, क्योंकि डोमेन जो होगा अंदर वाले फंक्शन का ही सबसेट हो सकता है, बराबर है क्या। तो साइन एक्स का जो डोमेन बनेगा कितना बनेगा, इस इनिशियल तो इसका आर ले लेंगे, क्योंकि साइन एक्स पूरे आर वैल्यू लेगा, आर वैल्यू लेने के बाद ये वैल्यू कितने जनरेट करने वाला है, मतलब अंदर वाली मशीन जो है वो वैल्यू जनरेट करेगी माइनस वन से प्लस वन तक, मतलब अंदर वाला जो फंक्शन का रेंज है वो तो कितना है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में है। अब बात आती है कि लॉग एक्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में डिफाइन है क्या, मतलब लॉग ये जो है, ये जो रेंज है किसका, साइन एक्स का, ये लॉग एक्स के लिए क्या बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा। तो लॉग एक्स कितनी वैल्यू ले लेगा, माइनस वन से प्लस वन तक लेने के बाद ये कुछ ना कुछ अपना आउटपुट दे देगा, लेकिन बात ये है कि लॉग एक्स निगेटिव वैल्यू पर डिफाइन है ही नहीं, बराबर है क्या। इसका जो डोमेन होगा आर प्लस होगा, इसका मतलब इसको इसके माइनस वन से लेकर जीरो तक के वैल्यूज को प्रॉब्लम है, समझ मेरी बात आपको। तो इसका मतलब ये जो माइनस वन से जीरो तक की बात आ रही है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, और कितना लेना चाहिए इसको, इसको लेना है जीरो से लेकर वन तक के वैल्यू, समझ मेरी बात आपको, मतलब इतना जो सेट है मुझे इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, बराबर। जैसे कि कौन सी केस हो रही थी, यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है सी जिसकी ये इमेज है, और इस इमेज से यहाँ पे कोई वैल्यू निकल ही नहीं रहा, इसका मतलब मुझे ये डोमेन में से हटाना पड़ेगा। ऐसे कितने वैल्यू यहाँ पे बन रहे, तो यहाँ पे बन रहे माइनस वन से लेकर जीरो तक, इतनी वैल्यू बन रहे, बराबर है क्या। तो ये वैल्यू मुझे हटा देना है, ये वैल्यू जो हटाना है, तो इसका मतलब ये वैल्यू साइन एक्स के कौन से वैल्यू पे आएगी वो देखना पड़ेगा, और वो एक्स भी हटा देना पड़ेगा अपने को। ये वैल्यू कब कब आ रही है साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, तो ये माइनस वन से लेकर जीरो तक की वैल्यू आ रहा है साइन एक्स का, वो वैल्यू हमको ढूंढना पड़ेगा, और उसमें से एक्स में से ही निकाल देना पड़ेगा, एक्स में के वैल्यू में से निकाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, जो निगेटिव वैल्यू आने का चांस कहाँ पे है, जब एक्स की वैल्यू पाई से लेकर टू पाई के बीच में रख देते हैं, तब जाके क्या होगा कि निगेटिव वैल्यू आएगा, या फिर थ्री पाई से लेकर कहाँ तक,
4 पाई के बीच में जब रखेंगे तब जाके ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x में से कौन सी वैल्यू निकाल देना है, x में से निकाल देना पड़ेगा पाई से लेकर 2 पाई या फिर 3 पाई से लेकर 4 पाई। तो कौन सी वैल्यू लेना है, कौन सी वैल्यू लेना है, तो 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू ले सकता हूँ मैं, या फिर कौन से ले सकता हूँ 2 पाई से लेकर 3 पाई तक के बीच में ले सकता हूँ। अच्छा, ये पाई पे भी 0 पे भी ओपन रहेगा, पाई पे भी ओपन रहेगा, 0 पे भी ओपन रहेगा, पाई पे भी ओपन रहेगा, और 2 पाई पे भी ओपन रहेगा, और 3 पाई पे भी ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये 0 पे तो वैल्यू इसकी 0 आ रही है ना, और 0 भी नहीं ले लेगा, मतलब ये भी वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा मुझे। तो देख लेते हैं इसका जो पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, 0 से पाई, 2 पाई से लेकर 3 पाई, मतलब पहला जो नंबर है वो इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई है, दूसरा जो नंबर है ऑड मल्टीप्लाई ऑफ पाई है। तो इसका मतलब अब इसका जो एक्चुअल क्या होगा, डोमेन जो आना चाहिए कितना आना चाहिए 2n पाई आएगा, कॉमा कितना आना चाहिए 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और पाई बनेगा, बराबर है क्या? आप देख लो ये बराबर है या गलत है, n की वैल्यू जब 0 रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर से आएगा पाई, n की वैल्यू जब 1 रख देते हो तो 2 पाई बनेगा और ये 3 पाई बनेगा। मतलब जो डोमेन है अभी इस लॉग ऑफ साइन x का, ये r नहीं है, r नहीं है, कितना है r x बिलोंग्स टू n पाई कॉमा 2n प्लस 1 पाई, इतना इसका डोमेन है। जैसे ही ये वैल्यू इसको साइन एक्स को दे देंगे तो साइन एक्स कितनी वैल्यू जनरेट करने वाला है, अब माइनस वन से प्लस वन तक वैल्यू जनरेट नहीं करेगा, कितनी करेगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही करेगा। समझ मेरी बात आपको, मतलब अब सीन कहां से कहां तक आ गई, लॉग ऑफ साइन एक्स था तो जब हमने इस एक्स को, इस एक्स को कितनी वैल्यू हमने दे दिया, एक्स को दे दिया है 2n पाई, 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई, यहाँ तक अगर वैल्यू दे देते हैं किसको, साइन एक्स को, तो जो साइन एक्स वैल्यू जनरेट करेगा कितना करेगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में, 1 को क्लोज करेगा और 0 को ओपन करेगा, और इतने वैल्यू पे देख लेते हैं लॉग एक्स एग्जिस्ट है क्या, और लॉग एक्स जो है कितने 0 से लेकर 1 तक के बीच में, मतलब इतने वैल्यू के लिए देखना है मुझे। तो 0 प्लस पे कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है, और 1 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब एग्जिस्ट है, और कितने इसके वैल्यू आ जाएंगे, कितने वैल्यू जनरेट करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। समझ में आ रहा है बात, और 0 पे, 0 पे वैल्यू कितना आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, तो 0 ओपन है तो वैसे भी इन्फिनिटी तो ओपन ही रहेगा हमेशा, और 1 पे कितना आएगा लॉग 1 कितना आएगा 0 आएगा, और 1 क्लोज है इसलिए यहाँ पे 0 भी क्लोज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा इसका डोमेन और ये होगा रेंज, और ये तो बस ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, मतलब इसका जो रेंज है इसको डोमेन का, इसका डोमेन बन जाएगा, और ये इसका कोई इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं है, बस ये क्या होना चाहिए कि ये जो होना चाहिए इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है, या फिर इसके डोमेन के बराबर होना चाहिए, बराबर क्या, तब जाके इसका ये क्या बन जाएगा, कंपोजिशन जो एग्जिस्ट होगा। अब देख लेते हैं, अब ये लॉग ऑफ साइन एक्स है, लॉग ऑफ साइन एक्स के अंदर डोमेन, डोमेन कितना बन गया, समझ में आ रहा है क्या, ये बन गया था 2n पाई, 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई तक, ये हो गया इसका डोमेन, और ये भी ओपन, ये भी ओपन, और रेंज, रेंज की बात कर लेते तो कितना आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और ये 0 क्लोज और माइनस इन्फिनिटी ओपन, ये है इसका डोमेन और ये है इसका रेंज। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे अंदर वाले फंक्शन में से, अंदर वाले फंक्शन का पहले पूरा रेंज ले लेंगे, पूरा डोमेन ले लेंगे, फिर इसके वैल्यूज पहले जनरेट करेंगे, और ये वैल्यू जो है बाहर वाले फंक्शन को दे देंगे, और चेक करेंगे क्या बाहर वाले फंक्शन ये पूरी वैल्यू ले सकता है क्या, अगर नहीं ले सकता तो इसमें से जो जो वैल्यू नहीं लेगा बाहर वाला फंक्शन उसको हम लोग हटा देंगे। हटाने के लिए, हटाने का मतलब क्या होता है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसके डोमेन में से वो वैल्यू हटा देंगे जहाँ पे ये जो वैल्यू नहीं लेना चाहिए वो वैल्यू जनरेट हो रहे होंगे, बराबर है। फिर जितनी वैल्यू बच गए, जितनी वैल्यू ये ले सकता है उतनी वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद इतनी वैल्यू पे ये बाहर वाला फंक्शन क्या क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है वो देख लेंगे, वो इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम अभी बाकी है करना है इसको, तो लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा इस प्रॉब्लम को देख लो, ठीक है, और अगर आपको करना है तो ये वाले प्रॉब्लम करके देख लो। सबसे पहला प्रॉब्लम टैन है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम मैं बोल देता हूँ, लॉग है और यहाँ पे कितना है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग है, एक्स स्क्वायर है माइनस 3x और होगा कितना, प्लस 2। ओके, एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे है लॉग और यहाँ पे है टैन और यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। आपको देखना है इसके डोमेन और रेंज निकाल देना है, तो ये अंदर वाले फंक्शन स्टार्ट करेंगे और हम लोग बाहर की तरफ आ जाएंगे। एक और प्रॉब्लम अगर लेना है तो लॉग ही है और यहाँ पे लेता हूँ मैं कितना, साइन, और अंदर लेता हूँ कितना, टैन इनवर्स ऑफ एक्स,
ठीक है, ये ट्राई कर लो आप लोग। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। वैसे क्या होता है कि इन जनरल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आएगा। बराबर क्या मतलब, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर नहीं आएगी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आएगी इन जनरल। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये तो डायरेक्ट हम लोग डोमेन से ही बोल सकते हैं। कैसे डोमेन से बोलेंगे, जब इसका जो डोमेन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जी ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसका जो डोमेन होगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो एफ ऑफ एक्स की जो भी अंदर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, जो भी अंदर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका जो बाहर इस वाले फंक्शन का डोमेन किसके ऊपर, जी ऑफ एक्स के ऊपर। इसका जो डोमेन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और रेंज इस वाले केस में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर। इसका रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जी ऑफ एक्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेंज किसी और के ऊपर डिपेंड है। इसका डोमेन किसी और के ऊपर डिपेंड है, रेंज किसी और के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी किस केस में इक्वल होंगे। कौन से केस में याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको? अब ये दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन होंगे। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे तो क्या होगा, इनवर्स का मतलब इतना आता है, जो मल्टीपल में नंबर है वही डिवीजन में नंबर आएगा, तो कैंसिल होकर आंसर वन ही आने वाला है ना। मतलब ये अल्टीमेट मतलब एक्स का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन इनवर्स है और साइन एक्स है, जब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स करेंगे तो एक्स ही आएगा ना आंसर। मतलब क्या है, इधर से भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आएगा, इधर भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आएगा, लेकिन इन दोनों के डोमेन मैच करना चाहिए। इनवर्स अगर है तो दोनों के डोमेन मैच होना चाहिए, तब जाके दोनों क्या होंगे, फंक्शन जो होंगे वो दोनों का कंपोजिशन सेम आ सकता है। बराबर, ये तो आगे देख लेंगे। मतलब इन जनरल अभी हम लोग क्या करेंगे, कर रहे हैं इनवर्स वाला पार्ट जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है। लेकिन हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, अगर समझ में मानता हूँ दोनों में से अगर एक फंक्शन एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना है, मान लेता हूँ एक्स के बराबर है, बराबर है। तो आप देख लो, अगर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स के बराबर है तो ये तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स ही बन जाएगा ना, ये तो जी ऑफ एक्स बन गया। और यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना एक्स है, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ कितना निकालना है मुझे, जी ऑफ एक्स अगर निकाल देना है तो कितना बन जाएगा, ये भी तो जी ऑफ एक्स ही बन जाएगा ना। तो इस वाले केस में तो क्या हो गया, इस वाले केस में तो जी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स बन गया, मतलब एक ही फंक्शन बन गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं, दोनों में से अगर एक अगर आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा ना, ये जी ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्स क्या होता है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं ना। मतलब एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स, दोनों में से अगर एक अगर एक्स हो जाता है ना, तब जाके क्या होगा कि दोनों हमेशा इक्वल आ जाएंगे, या फिर दोनों अगर एक दूसरे के इन्वर्स होते तब जाके इक्वल आ सकते हैं। हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बात अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर दोनों में से अगर एक फंक्शन अगर एक्स होता है तो जाके दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। अच्छा, जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। मतलब क्या, जैसे कि एसोसिएटिव का मतलब कितना होता है कि ये समझो मान लेते हैं टू प्लस ये कितना है, थ्री प्लस टू प्लस वन है, तो पहले मैं इन दोनों का एडिशन कर लूँ या फिर इन दोनों का एडिशन कर लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो दोनों आंसर तो सेम ही आने वाला है, थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स होगा, और टू प्लस वन मतलब थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा। इसका मतलब जब तीन फंक्शन दिया जाएगा तो पहले किसका एफ और जी का कंपोजिशन ले लो, इसका जो कंपोजिशन आ गया उसके साथ एच का कंपोजिशन ले लो, या फिर पहले जी और एच का एक कंपोजिशन ले लो, जो भी कंपोजिशन आएगा उसके साथ एफ का कंपोजिशन ले लो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं पलटा देता हूँ तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स ये दे दिया है, मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका कंपोजिशन निकाल देना है। मैं दो मेथड बोलूंगा आपको, एक एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो दोनों में भी मतलब ग्राफिकल मेथड में क्या दिक्कत है और एनालिटिकल मेथड में क्या दिक्कत है आपको समझना है, और जो भी मेथड जिस वाले प्रॉब्लम बेस्ट है वो आपको लगाना है। बराबर है क्या, ओके। तो एफ ऑफ एक्स निकाल देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स निकालना मतलब क्या, जो भी एक्स था यहाँ पे, इस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के अंदर जो भी एक्स है उसके बदले हमने क्या रख दिया, ये एक्स के बदले रख दिया हमने एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या रख दिया हमने, एक्स के बदले रख दिया है एफ ऑफ एक्स। बराबर, तो रख देते हैं इसके अंदर, जहाँ पे भी एक्स होगा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्स के बदले रख देंगे एफ ऑफ एक्स। तो वन प्लस हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, नीचे आएगा थ्री माइनस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ओके। इसके बाद जीरो लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा, एक्स के बदले आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा टू, ये होगा कॉमा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा टू, लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और हो जाएगा कितना, लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा थ्री। बराबर है क्या,
मतलब क्या किया हमने, इस वाले फंक्शन में f(x) निकालना था और मुझे मेरे पास f(x) मालूम था, तो f(x) का मतलब कितना होगा कि ये जो x से अंदर वाला उसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा, f(x) अगर लग देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, f(x) बन जाएगा और वही मुझे निकालना है। अगर मैं यहाँ पे अगर x के बदले अगर f(x) रख रहा हूँ तो जहाँ भी यहाँ पे भी इस वाले केस इसमें f(x) होगा उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ पे लग देंगे x के बदले f(x) लिख देंगे। तो यहाँ पे x था इसलिए f(x), यहाँ पे x था इसलिए f(x), यहाँ और यहाँ पे x था इसलिए वहाँ पे भी f(x) लिख दिया। बस अब आगे सॉल्व कर देते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू लिख दे, f(x) की वैल्यू लिख देना है, बराबर है क्या। तो f(x) की वैल्यू कितना है, f(x) की वैल्यू तो दो कंपोनेंट में आ रही है, ये 1+x है और 3-x है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँ या फिर ये वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, ये वैल्यू रखना है या फिर ये वैल्यू रखना है कोई आइडिया नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि ये क्या कंडीशन बनने वाली है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये भी कंपोनेंट रख के देखना पड़ेगा और ये भी कंपोनेंट रखना पड़ेगा और कैलकुलेट करके कौन सा कंपोनेंट वहाँ पे फिट होगा वो देख के उसको रखना पड़ेगा, बाकी को उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। तो 1+x रखना पड़ेगा, पहले तो मैं रख देता हूँ इस f(x) के बदले 1+x। ठीक है, तो यहाँ पे था कितना 1, यहाँ पे कितना है 1 है प्लस, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1+x, बराबर है 1+x रख दिया, क्या किया मैंने f(x) के बदले ये वैल्यू रख दिया। तो यहाँ पे भी f(x) है तो यहाँ पे भी वही रखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 1+x, x+1+x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा 2। अब मैंने ये वैल्यू रख दिया किसकी, f(x) के बदले कितना रख दिया है 1+ अगर x रख दिया है तो इसका मतलब ये x कब हुआ, ये इसमें x का भी तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना। अगर मैं f(x) 1+x ले रहा हूँ तो वो कहाँ पे ले सकता हूँ मैं, बस इसी केस में ले सकता हूँ, मतलब 0 से लेकर 2 के बीच में अगर x होगा तब जाके ले सकता हूँ। समझ में आ रही क्या बात आपको, 0 से लेकर 2 के बीच में अगर होगा तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ कि f(x) जो है वो 1+x लिख सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे 1+x लिखा था f(x) वैल्यू, तो जहाँ जहाँ पे भी f(x) था उसमें 1+x लिखेंगे, साथ साथ वो कब आएगा वो भी कंडीशन लिखेंगे। सही है क्या, ओके। अब क्या होगा दूसरा, अब इसके अंदर ये वाला भी रखना पड़ेगा 3-x। तो जब मैंने यहाँ पे 1+3-x लिख दिया है तो f(x) के बदले मैं कितना लिख रहा हूँ 3-x लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे 3-x लेस देन इक्वल्स टू जाए कितना 2। सही है ना, और ये अगर 3-x यूज़ कर रहा हूँ तो ये कौन से केस में है, x की वैल्यू अगर 2 से लेकर 3 के बीच में होता है तब जाके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो ये वाला ट्रैक भी मुझे रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 से लेकर 3 के बीच में, बात समझ में आ रही है आपको, इसका काम हो गया। अभी ये 1+x f(x) के बदले हमने जितने भी कंपोनेंट थे उतने कंपोनेंट लिख दिया विद कंडीशन। अब किसकी बात है, ये 3-f(x) की बारी है, तो 3-f(x) के बारे में 3-, ओके, तो 3-, यहाँ पे 3-, अब f(x) के बारे में, f(x) के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो ये भी लिखता हूँ मैं और ये भी लिखता हूँ। मैं पहले 1+x लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1+x, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कितना 3-x, तो यहाँ पे कितना कंडीशन है, वैसे 2 लेस देन हो जाएगा 1+x और लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा 3, बराबर है क्या। अगर मैं ये डेफिनेशन अगर यूज़ कर रहा हूँ किसकी, 1+x की डेफिनेशन अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी कंडीशन भी देखना पड़ेगा कि x कितना है 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो ये 0 से लेकर हो जाएगा कितना 1+x लेस देन हो जाएगा कितना 2। समझ में आ रही बात आपको, मतलब मैंने अब यहाँ पे f(x) के बदले पहले ये लिख दिया विद कंडीशन, अब इस f(x) के बदले कितना रखूँगा 3-x रखूँगा विद कंडीशन। तो देख लो कितना बन जाएगा, वैसे 3-, ये 3-, इधर से कितना लिखना पड़ेगा 3-x, ये f(x) कितना लिख दिया मैंने 3-x लिख दिया और विद कंडीशन क्या है वैसे इसका 2 लेस देन है 3-x और लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा 3, और 3-x यूज़ करने के लिए कितना है x कितना होना चाहिए 2 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन x और लेस देन और इक्वल्स टू 3। बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी लेकिन है नहीं, ये ज़्यादा कैलकुलेशन है इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे f(x) के बदले एक बार ये लिखो एक बार ये लिखो, बाद में यहाँ पे जो f(x) है उसके बदले भी ये एक बार लिखो और ये एक बार लिखो विद कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो कंडीशन, बराबर है क्या। और जब यहाँ पे अगर f(x) के बदले अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी f(x) दिख रहा है तो मुझे ये कंडीशन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, बराबर है क्या। ऐसा तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ये फंक्शन बन गया, अब आपको क्या करना है कि आपको सॉल्व करना है इन कंडीशंस को और जो कंडीशन कॉमन सॉल्यूशन आएगा उसके बदले लिखना पड़ेगा। अब देख लो इसको पहले सॉल्व कर लो, 0 से लेकर 2 के बीच में है ये, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये इसका मतलब ये होगा जब -1 इसमें से करेंगे तो ये -1 से लेकर कितना आ जाएगा +1 के बीच में, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा।
माइनस वन से प्लस वन के बीच में कौन सा आएगा, ये वाला कंडीशन आएगा। और यहाँ पे देख लो जीरो से लेकर टू तक इन दोनों में कॉमन क्या है, वन, जीरो से लेकर वन तक है, मतलब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, इसको ये तो सॉल्व है वैसे, इन दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन आएगा उसके बदले ये हमारा फंक्शन आना चाहिए। देख लो कितना आ रहा है, ये माइनस वन से लेकर जीरो तो इसके अंदर है नहीं, तो जीरो से लेकर वन तक के बीच में ये जो फंक्शन डिफाइन होगा जीरो से लेकर वन तक के बीच में कितना आना चाहिए, ये होगा टू प्लस एक्स, टू प्लस एक्स। ओके, अब आगे नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में पहले तो माइनस थ्री ऐड कर लो, तो हो जाएगा इधर से माइनस थ्री और हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू होगा माइनस एक्स, और इधर से आएगा लेस देन और इक्वल्स टू माइनस थ्री कर लिया ना, तो हो जाएगा माइनस वन। और जब निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, वन से लेकर ये थ्री के बीच में आ जाएगा, बराबर है क्या। और वन से लेकर थ्री तक के बीच में तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन कितनी वैल्यू है, टू से लेकर थ्री तक के बीच में, मतलब टू से लेकर थ्री तक के बीच में क्या आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा। तो फोर माइनस एक्स कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा कितना, वन से लेकर, वन से तो नहीं, टू से लेकर थ्री के बीच में, तो टू से लेकर थ्री तक के बीच में, सही है क्या, तो ये आएगा कितना, फोर माइनस एक्स। ओके, अब आगे देख लेते हैं, ये वाला कंडीशन सॉल्व कर लो कितना रहा है, जब वन माइनस करें तो वन लेस देन हो जाएगा एक्स और लेस देन इक्वल हो जाएगा टू, सही है क्या। और यहाँ पे सिर्फ एक्स होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, ये जीरो से लेकर टू के बीच में है, जीरो से लेकर टू के बीच में, और यहाँ पे कितना, वन से लेकर टू के बीच में, ये कितने वैल्यू कॉमन आएंगे, वन से लेकर टू के वैल्यू कॉमन आएंगे, तो ये वन से लेकर टू तक के वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे, वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स हो जाएगा टू, और उसके लिए कितना आ जाएगा फंक्शन, थ्री माइनस वन मतलब हो जाएगा टू माइनस हो जाएगा एक्स, ऐसे। और लास्ट वाली कंडीशन सॉल्व कर लो तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री मतलब हो जाएगा माइनस वन, लेस देन हो जाएगा माइनस एक्स और लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। और जब निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया इसको तो कितना आएगा, जीरो से लेकर वन तक आएगा, लेकिन ये टू से लेकर थ्री तक है, जीरो से लेकर वन तक के बीच में, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी पॉसिबल है नहीं। मतलब कितना आ गया, जीरो से लेकर वन तक के बीच में टू प्लस एक्स आ गया, वन से लेकर टू के बीच में टू माइनस एक्स आ गया, टू से लेकर थ्री के बीच में फोर माइनस एक्स आ गया, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ एफ एक्स कितना बन गया, टू प्लस एक्स और एकम जीरो से लेकर कितनी वन के बीच में, और कितना टू माइनस एक्स, ये कब बनेगा, वन से लेकर टू के बीच में, एंड फोर माइनस एक्स जो बनेगा किसके बीच में बनेगा, ये बनेगा टू से लेकर थ्री के बीच में। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। कोई मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, मतलब प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं वैसे, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन बनेगा। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स, मतलब इस x के बदले ये एफ एक्स डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद ये फंक्शन बन गया, तो अब ये एफ एक्स के बदले जितने भी कम डेफिनेशन है इसके, एक एक को पुट करना पड़ेगा। पहले इसको पुट कर लो, बाद में इसको पुट कर लो। ये अगर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और ये कंडीशन के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बार ये अगर इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा, ये कंडीशन बाद में लेना पड़ेगा। वैसे नीचे वाले में भी दोनों के दोनों रख दो, बाद में ये जो कंडीशंस आएंगे दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जो कॉमन सॉल्यूशंस है वो कॉमन सॉल्यूशंस के ऊपर ये फंक्शन आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो कॉमन सॉल्यूशन है उसके ऊपर ये फंक्शन आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लो, और जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा उसके ऊपर ये आएगा। अगर इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशंस नहीं है तो ये कंपोनेंट कभी भी बनेगा नहीं, बराबर क्या। अब दिक्कत क्या है कि इसमें दो ही कंपोनेंट थे, दो ही मतलब क्या डेफिनेशन थे, पार्ट्स थे, तो इसलिए इतना कैलकुलेशन हो गया, बराबर ना, चार चार डेफिनेशन बन गए। अगर यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक और कंपोनेंट होता, मान लेता हूँ कि इतना है थ्री से लेकर फोर के बीच में, कुछ तो भी फोर प्लस एक्स था, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक और कंपोनेंट बढ़ जाता, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बढ़ जाता, तो एक एक के तीन तीन बन जाते अभी, क्योंकि इसके लिए ये वाला और इसके बाद वाला तीन कंपोनेंट, इसके लिए भी ये वाला और इसके बाद वाला कंपोनेंट, और लास्ट के लिए भी कितना है, तीन कंपोनेंट, मतलब टोटल नाइन कंपोनेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। नाइन कंपोनेंट को सॉल्व करने में टाइम भी चाहिए आपको, कराइए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से जाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड के लिए मैं पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, क्या था ये, तो सिर्फ एफ एक्स जो था वो देख लो। तो एफ एक्स कितना था, वैसे ये था वन प्लस एक्स, शायद वन प्लस एक्स, और यहाँ पे था थ्री माइनस एक्स, और ये कितना था, जीरो से लेकर टू तक, और ये टू से लेकर था शायद थ्री तक, बराबर है क्या, देख लो, जीरो से टू
0 से 2 और 2 से 3, 3 माइनस 6, 1 प्लस 6, ये सही है बराबर। अब हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से जाना है और इसको मतलब कितना कैलकुलेशन हो सकता है ग्राफिकल मेथड से वो देख लो। सबसे पहले क्या कर लो कि f(x) निकाल लो, मतलब इसमें पहला स्टेप तो निकालना पड़ेगा। f(x) निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको लिखना पड़ेगा जो भी x है उसके बदले fx, तो ये हो गया fx और यहाँ पे हो जाएगा ये fx और लेस देन 2 का लेस देन 2 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस fx और यहाँ पे भी आएगा 2 लेस देन fx और होगा कितना लेस देन इक्वल्स हो जाएगा 3। ओके ये बन गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी इसके अंदर फंक्शन है मतलब इनर फंक्शन का ग्राफ निकालना पड़ेगा। इनर फंक्शन का ग्राफ निकाल दो बराबर है क्या, ये कैसे पता चलेगा आपको, एक तो यहाँ से पता चलेगा या फिर यहाँ से भी पता चलेगा। ये जो कंडीशन में जो फंक्शन आ रहा है ना उसका ग्राफ निकालो, और कंडीशन में कौन सा ग्राफ आए, कौन सा फंक्शन आएगा, हमेशा जो अंदर होगा उसी वही यहाँ पे कंडीशन में आएगा, क्योंकि एक्स को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं तो यहाँ पे एक्स रहने वाला है, यहाँ पे एक्स जो रहेगा उसके बदले जो अंदर फंक्शन जाएगा वही यहाँ पे आने वाला है बराबर क्या। तो इनर जो फंक्शन होगा उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ निकालना पड़ेगा बराबर है क्या। यहाँ पे तो दोनों फंक्शन सेम है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे चल कर अगर ये एफ एक्स होगा अंदर वाला जियो ऑफ एक्स होगा तो उस वाले के इसमें शायद दो दो फंक्शन बनेंगे ना, तो अंदर वाला फंक्शन का ग्राफ निकालना है ये ध्यान रखो हमेशा। तो क्यों निकालना है ये भी आपको पता चलेगा, मतलब आपको मतलब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको पता ही चल जाएगा ठीक है। तो अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स है, तो इसका ग्राफ पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस ठीक है, और कौन सा ग्राफ है ये, 0 से लेकर 3 तक के बीच में डिफाइन है, तो ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2 और ये होगा 3, काफ़ी इतना ही चाहिए आपको। ओके अब क्या चाहिए, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, 1 + x है 0 से लेकर 2 के बीच में, और ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 पे 1 से स्टार्ट होगा और 2 पे मतलब 3 पे ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी 3 चाहिए मुझे, ये 1 ये 2 और ये 3, मतलब 0 पे तो 1 से स्टार्ट होगा ये और 2 पे कहाँ तक आएगा, 3 तक आएगा ठीक है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कौन सी वाली केस में, ये पहले वाले केस में 1 + x में, और दूसरे वाले केस में 2 से लेकर 3 तक के बीच में, 2 पे वाली कितना आ रही है, 1 आएगी और 3 पे 0 आएगी, मतलब 2 से मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 से और ये 3 तक, मतलब ऐसे आना चाहिए ठीक है। ओके बस ये बन गया, ये फंक्शन बन गया किसका, ये अंदर वाला फंक्शन मतलब ये fx का ग्राफ बन गया। अब क्या देखना है देख लो, अब देखना क्या है कि जो फंक्शन है ना ये अंदर वाला 0 से लेकर जब 2 तक के बीच में होगा तो उसके लिए कंपोनेंट कौन सा है, 1 + fx है, और जो अंदर वाला फंक्शन कितना है 2 से लेकर 3 तक का जब होगा उसके लिए कंपोनेंट कौन सा है, 3 - fx है। समझ में आ रही बात आपको, ये 0 से लेकर जब 2 होगा तो 1 + fx और 2 से लेकर 3 तक होगा तो 3 - fx होगा। तो ये fx जो है मतलब fx मतलब ये जो फंक्शन है 0 से लेकर 2 तक कब कब है, 0 से लेकर 2 तक कब तक है देख लो, तो 0 से लेकर 2 तक है यहाँ तक, समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो नीचे वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये क्या है, ये है fx 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक है, समझ में आ रहा बात आपको। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, 2 से लेकर 3 तक का, ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली क्या है, वैसे ये 2 से ज़्यादा fx होगा और ये होगा कितना, लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, समझ में आया क्या बात आपको। मतलब इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट कैसा है, 2 से ज़्यादा है, और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ये 2 से कम है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है, ये मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, इधर से, मतलब ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो देख रहा हूँ मैं, 0 से लेकर 2 के बीच में एक बार फंक्शन है और 2 से लेकर 3 के बीच में फंक्शन है बराबर क्या। तो 0 से लेकर 2 वाला पार्ट ये हो गया, 2 से लेकर 3 वाला पार्ट ये हो गया, समझ में आ रही बात आपको इतनी। तो मुझे अब ये ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर समझ में आ रहा है तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये नीचे वाला पार्ट कैसा है, 0 से लेकर 2 तक का है, और ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, 2 से लेकर ज़्यादा वाला पार्ट है बराबर। तो आप देख लेते हैं, अब 0 से लेकर 2 तक जब होगा फंक्शन, 0 से लेकर 2 तक जब फंक्शन होगा तो उस वाले केस में क्या लिखना है मुझे, 1 + fx की डिफरेंशियल लिख देना है। तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा क्या, 1 + fx, समझ में आ रही है आपको बात समझ में आ रही है क्या। देख लो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से लेकर 2 तक जब fx होगा तो उस वाले केस में क्या आएगा, 1 + fx की डेफिनेशन आएगी, और 2 से लेकर 3 तक को होगा तो क्या आएगा, वो 3 - 2x की डेफिनेशन आएगी। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, 3 - fx इस वाले केस में आना चाहिए बराबर है क्या।
क्या क्या किया हमने, समझ में आ रहा है कि आपको? अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना है पहले, तो अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना दिया। अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाने के बाद देख लेंगे यहाँ पे डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है, 0 से 2 के बीच में और 2 से लेकर 3 के बीच में। तो अंदर वाले का फंक्शन तो यही है, ये एफ एक्स का ग्राफ तो यही है। तो 0 से 2 के बीच में जब होगा, कब कब होगा देख लो, मतलब ये एफ एक्स का क्या होगा, ये रेंज होगा ना 0 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 तक कब है, ये हो गया 0 और 2, इनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में किसका ग्राफ आना चाहिए, किसका डेफिनेशन आना चाहिए, 1 + f(x) आना चाहिए। आगे जो होगा 3 - f(x) का होगा। बस इतना काम कर लिया। अब देखना है मुझे अभी एक्स को स्कैन करते जाना है, अब एक्स को स्कैन करते जाना है। तो देख लो मुझे निकालना पड़ेगा f(f)x, अगर निकाल देना है तो कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अब जब x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है देख लो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन कहाँ पे, 1 तक, बराबर ना, ये 1 पे कट कर रहा है। देख लो अगर ये समझ में कैसे आ रहा है, x + 1 = 2 ले लेना, कितना है ये इसका ग्राफ कैसा है, वैसे x + 3 है ना, x + 1 है, तो x + 1 = 2, कितना आ जाएगा, x के लिए कितना आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है 2 को कहाँ पे कट कर रही है, 1 पे कट कर रही है। तो इसका मतलब देख लो, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगी, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगी, तो ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 0 से लेकर 2 के बीच में, मतलब ये वाला फंक्शन जो है अब एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कौन सा, 1 + f(x). लेकिन 0 से लेकर 1 तक के बीच में f(x) क्या है वो देख लो, 0 से लेकर 1 तक के बीच में f(x) कितना है, 1 + x है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे f(x) को भी लिखना रखना पड़ेगा, 1 + x रखना पड़ेगा, कौन से केस में, ये 0 से लेकर x की वैल्यू कितना, 1 तक के लिए। समझ में आ रही है क्या बात आपको, ठीक है। अब आगे अगर समझ में आया तो और भी आगे समझ में आएगा। 1 से लेकर 2 के बीच में ग्राफ कहाँ पे देख लो, ग्राफ है यहाँ पे, मतलब एक्स 2 के ऊपर है, 2 के अगर ऊपर है तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा हमको, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, मतलब 3 - f(x). अब f(x) के बदले कौन सी वैल्यू आएगी वो देखना पड़ेगा। तो x कितना है, 1 से लेकर 2 के बीच में है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में f(x) कितना है, 1 से लेकर 2 के बीच में f(x) कितना है, 1 + x के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 + x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 से आगे और 2 से कम, बस ऐसा, ठीक है। आगे कितना है, हम लोग कहाँ तक आए थे, 2 तक आए थे, अब 2 से लेकर 3 के बीच में ग्राफ कहाँ पे है, 2 से नीचे है, मतलब कौन किस में रखना पड़ेगा हमको f(x) वैल्यू, 1 + f(x) में रखना पड़ेगा। तो 1 + f(x) के अंदर क्या रखेंगे, तो डिपेंड करेगा x कितना है, x 2 से लेकर 3 तक के बीच में है, तो यहाँ पे देख लो 2 से लेकर 3 के बीच में क्या है, ये 3 - x है, तो यहाँ पे लिख दिया ये 3 - x, और यहाँ पे कितना, 2 से ज़्यादा और 3 से कम, बस ये फंक्शन हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, वैसे ये होगा 1 + 1 मतलब 2 + x, और किस वाले केस में, 0 से लेकर 2 वाले केस में, और यहाँ पे आएगा 3 - 1 मतलब हो जाएगा 2 - x, और ये कब, ये 1 से लेकर 2 वाले केस में, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे कितना था, ये 1 था, और इसमें कितना आएगा, 2 - x में 1 से लेकर 2 तक के बीच में आएगा, और यहाँ पे देख लो 4 - x जो है 2 से लेकर किसके बीच में, 3 के बीच में, बस। और यही आ रहा है क्या देख लो ऊपर, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 तक के बीच में 2 + x 2 - x और 4 - x, और इधर से भी देख लेते तो वही आ रहा होगा, बराबर है क्या। अब इसमें कितने भी अगर कंपोनेंट थे, अगर इसमें अगर 4 के या 5 भी कंपोनेंट अगर होंगे, तो अपने को बस ये स्टेप निकालना पड़ेगा, ये स्टेप के बाद इसका ग्राफ निकालना है, ग्राफ निकालने के बाद ये नंबर लाइन से अपने को डिवाइड कर देना है, नंबर लाइन के ऊपर अब x को स्कैन करते जाके इसमें f(x) की क्या डेफिनेशन आएगी वही लिखते जाना है। तो इस वाले केस में कम कैलकुलेशन पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू ये वाला कैलकुलेशन जो है, बराबर है क्या। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग करने की कोशिश कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि देख लो, एक और प्रॉब्लम करूंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये है, ये f(x) की वैल्यू, ये डेफिनेशन ये है, g(x) की डेफिनेशन ये है, मुझे क्या निकालना है कि f(g)(x) निकाल देना है, बराबर है क्या। मैं f(g)(x) निकाल लेता हूँ, आपको निकालना है g(f)(x), बराबर है क्या। मैं एक पार्ट कर लेता हूँ और आप एक पार्ट कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन था वैसे, और इसमें क्या क्या बोला गया है, डोमेन निकालना है इसका f(g)(x) का, रेंज निकालना था, और f(g)(x) = 2 के कितने सोल्यूशन आएंगे वो बताना था, ठीक है ना। ये वाला पार्ट तो आप लोग कर सकते हैं, वैसे मैं ये डोमेन और रेंज निकाल लेता हूँ f(g)(x) का, या फिर तीनों भी कर लेता हूँ मैं, फिर बाद में आपको क्या करना है g(f)(x) की प्रैक्टिस के तौर पे कर देना है आपको। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, f(g)(x) अगर निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन f(g)(x) का, बराबर है क्या। तो f(g)(x) का मतलब कितना होगा, जहाँ पे भी f(x) है
जहां पे भी x के अंदर x था उसके बदले मुझे लिखना पड़ेगा जी एक्स, बराबर है क्या? मतलब x के बदले लिख देना पड़ेगा मतलब मुझे जी एक्स किसके अंदर, एफ एक्स के डेफिनेशन में। तो एफ एक्स की डेफिनेशन कितना है, x प्लस वन है x लेस देन वन के लिए। तो यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे जी ऑफ एक्स प्लस वन, ये कब x मतलब कितना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू वन होती है। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर जहाँ पे भी x था उसके अंदर मैंने g ऑफ x रख दिया। तो यहाँ पे भी g ऑफ x आएगा तो g ऑफ x प्लस वन होगा और g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू वन होगा। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो कितना ये 2x प्लस वन मतलब हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स हो जाएगा g ऑफ x प्लस होगा 1 और आगे कितना है, कंडीशन है 1 से ज़्यादा और होगा g ऑफ x और किसके बीच में लेस देन और इक्वल हो जाएगा 2, बराबर है क्या, लेस देन और इक्वल हो जाएगा 2। ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है मुझे, अब देखना पड़ेगा यहाँ पे देख लो या फिर इधर इसके अंदर देख लो, कहीं पे भी देख लो दोनों जगह से। यहाँ पे भी अंदर कौन जी ऑफ एक्स रहेगा, ये मतलब ये अंदर जो फंक्शन रहेगा वही वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आपको ध्यान कैसे रखना है, एक तो अंदर वाला फंक्शन इनर फंक्शन ध्यान रखो या फिर ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो ध्यान रखो। तो ये जहाँ पे ब्रेक हो रहा है या फिर इसमें जो अंदर होगा उसका ही ग्राफ बनाना है आपको, मतलब किसका ग्राफ बनाना है, जी ऑफ एक्स का। उस वाले केस में क्या था कि एक ही फंक्शन था तो हमने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया था, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन होने के बाद अब बाहर वाले का ग्राफ बनाना है या फिर अंदर वाले का ग्राफ बनाना है वो आप देख लो। वो तो डिसाइड कौन करेगा, ये यहाँ पे ब्रेक कौन कर रहा है, एफ ऑफ एक्स ब्रेक हो रहा है जी ऑफ एक्स ब्रेक हो रहा है, जी ऑफ एक्स ब्रेक हो रहा है तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो एक्स स्क्वायर है और एक्स प्लस टू है, माइनस वन से टू के बीच में मतलब और टू से लेकर थ्री के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये होगा माइनस वन से स्टार्ट करना था मुझे, माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, प्लस वन हो गया, ये प्लस टू है और प्लस थ्री है, तो इतना ही सफिशियंट है, इतना ही ग्राफ एग्जिस्ट है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री होगा और यहाँ पे है फोर, ठीक है। इसके आगे जाना है तो इसके आगे जा सकते हैं। ओके आप देख लेते हैं, अब माइनस वन से टू के बीच में किसका ग्राफ है देख लो, माइनस वन से टू के बीच में यह है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब देख लेते हैं यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, टू पे आ जाएगा फोर की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ओपन रहेगा और ये आएगा कहाँ पे, टू पे आएगा, ठीक है। ओके इसके बाद अब टू से लेकर थ्री के बीच में, टू से लेकर थ्री तक के बीच में कितना है, एक्स प्लस टू है, तो टू पे वैल्यू कितना आ रही है, फोर आएगी और थ्री पे आएगी सिक्स, मतलब फोर से भी आगे जाएगा, मतलब होगा कैसा, मतलब होगा यहाँ पे यहाँ से लेकर ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन जाएगा, बराबर ये आगे बढ़ रहा है। वैसे ग्राफ कुछ इस टाइप का बन गया, समझ में आ रहा है क्या, ये है माइनस वन से लेकर टू के बीच में एक्स स्क्वायर और टू से लेकर आगे यहाँ तक, यहाँ ये कौन सी वैल्यू होगी, वैसे ये सिक्स की वैल्यू होगी, बाद में सिक्स की वैल्यू है। वैसे ग्राफ थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा लिखा दिया, बात समझ में आ रही क्या, यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर बाद में एक्स प्लस टू, बराबर। अच्छा ये तो हो गया किसका, जी ऑफ एक्स का ग्राफ, ये हो गया जी ऑफ एक्स का ग्राफ। आप देख लेते हैं किसका चाहिए मुझे, मुझे चाहिए जी ऑफ एक्स कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये वन से पीछे नीचे और वन से टू के बीच में, बराबर है क्या। तो वन कहाँ पे है, ये लाइन हो गई वन की, ये कौन सी लाइन है, ये है वन की लाइन, ठीक है ना। तो मतलब वन से नीचे जब रहेगा तो ग्राफ क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस वन का आएगा, और वन से लेकर टू के बीच में क्या कंडीशन है, टू एक्स प्लस वन है, मतलब वन से लेकर टू तक, मतलब टू तक ही जाना है मुझे, तो टू तक मतलब ये हो गया, ठीक है ना। ओके अब इसके बीच में जो जो आएगा वो पहले लिख लेता हूँ मैं। तो वन से ले पीछे, वन से नीचे कौन सा आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस वन आएगा, इसके अंदर कौन सी कंडीशन है, जी ऑफ एक्स प्लस वन आएगा इसमें, और जब वन से लेकर टू के बीच में होगा तो टू इंटू टाइम टू टाइम्स हो जाएगा जी ऑफ एक्स और प्लस हो जाएगा कितना, वन, ठीक है। एक और बात नोटिस कर रहे हो क्या, ये जो टू है यहाँ पे इंक्लूड है, मतलब टू जो है नीचे वाले पार्ट में इंक्लूड है, समझ में आ रहा है क्या, नीचे मतलब टू नीचे वाले में इंक्लूड है, क्योंकि इस वाले कंडीशन में इंक्लूड है, मतलब टू एक्स प्लस वन में, ऊपर वाले में नहीं है ये टू, जो इस वाले में अगर इंक्लूड है तो टू टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस वन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने टू को नीचे दिखा दिया। ये वन कहाँ पे इंक्लूड है देख लो, वन जो है इस जी एक्स प्लस वन के बीच में इंक्लूड है, मतलब ये नीचे वाले में इंक्लूड है। ओके और वन ये वाला पार्ट कौन सा है, वन है, वन कहाँ पे इंक्लूड है, वन जो है यहाँ पे ओपन है और ऊपर वाले में क्लोज है, मतलब ये भी नीचे वाले में इंक्लूड होगा। ये कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे देख लो वन अगर ओपन है मतलब वन जो है इस वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं है, वन किस में क्लोज है, इस वाले क्लोज है, इसका मतलब इसके अंदर वन कवर होना चाहिए हमारा, मतलब नीचे वाले में कवर होना चाहिए। सिमिलरली ये जो टू है, ये जो टू, जो टू की जो लाइन है कहाँ पे कट कर रही है, इसको कट कर रही है, मतलब इसके अंदर कवर होना चाहिए, मतलब इससे ऊपर जो आएगा उसमें कवर नहीं होगा, नीचे वाले में कवर होगा, इस वाले पार्ट में कवर होगा,
ओके अब ये काम रह गया हमारा, सिर्फ क्या रह गया कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आएगी वो अपने को मालूम नहीं है। मतलब ये जो लाइन है एक्स वाई इक्वस टू, एक्स स्क्वायर कहाँ पे कट करेगी वो देखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू लिख दिया टू, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगी प्लस और माइनस टू आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव साइड है तो प्लस रूट टू आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कौन सी है, रूट टू के बीच में है। मतलब ग्राफ जो है हमारा ये माइनस वन से लेकर टू के बीच में एग्जिस्ट था, कितना ये वन से माइनस की तरफ और वन से लेकर टू की, मतलब सिर्फ माइनस से इन्फिनिटी से लेकर टू के बीच में एग्जिस्ट है। मतलब इतने पार्ट में ग्राफ एग्जिस्ट अगर है तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट डोमेन निकल जाएगा। डोमेन कितना निकल जाएगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट है तो यही इसका डोमेन हो जाएगा, बराबर है क्या। अगर डोमेन बोलना था तो मुझे फंक्शन भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाहर तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है, इसके ऊपर तो कोई रहेगा नहीं, क्योंकि टू से आगे तो कुछ है ही नहीं, बराबर क्या। मतलब माइनस वन से लेकर रूट टू के बीच में हमारा ग्राफ एग्जिस्ट है और वही हमारा डोमेन होगा, ठीक है। अब फंक्शन लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देख लो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में, और कौन सी वैल्यू रख देना है मुझे, मुझे जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख देना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख देना है। तो जी ऑफ एक्स का मुझे बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स कैसा है, माइनस वन से लेकर टू के लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो माइनस वन से लेकर टू तक के लिए, तो माइनस वन से लेकर वन तक के बीच में क्या है, माइनस वन से लेकर वन तक के बीच में मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस माइनस वन से प्लस वन तक के बीच में तो जो भी जी ऑफ एक्स रखेंगे इस वाले में रखेंगे, वन से आगे क्लियर जी ऑफ एक्स रखेंगे इस वाले केस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल देना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स को स्कैन कर रहा हूं मैं, तो माइनस वन से आगे जब जा रहा हूं कब तक जाऊंगा, प्लस वन तक के बीच में, क्योंकि प्लस वन भी इसी में इंक्लूड है, माइनस वन भी इसी इंक्लूड है, तो इसलिए दोनों को भी मैंने क्लोज कर दिया। तो माइनस वन से प्लस वन तक की जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, देख लो वैल्यू देख लो कितना है, माइनस से प्लस वन तक के बीच में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो यही वैल्यू कहाँ पे प्लेस करेंगे हम लोग, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब वन से आगे, वन से आगे, वन से आगे कहाँ तक जाना है मुझे, सिर्फ रूट टू तक ही जाना है, उसके आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है क्या। तो वन से लेकर यहाँ पे कितना जाएंगे, रूट टू, रूट टू भी इसी में इंक्लूड है, रूट टू भी इसी में इंक्लूड है, तो इसका मतलब वन से लेकर रूट टू के बीच में कौन सी वैल्यू है देख लो, वन से लेकर रूट टू के बीच में इसी में आएगा, वन से लेकर रूट टू भी इसी में आएगा। रूट टू कितना होता है, 1.4 होता है, तो इसका मतलब फिर से एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, लेकिन अब किस में रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, वन से लेकर रूट टू के बीच में ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे है इसके भी बीच में, मतलब इस वाले में रखना पड़ेगा। तो टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ग्राफ बन जाएगा। और देख लो ये इतना ही फंक्शन बनेगा, क्योंकि बाकी तो अभी कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस से प्लस वन के बीच में, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन से लेकर रूट टू के बीच में। तो अगर मुझे डोमेन निकालना है इसका, तो डोमेन कितना हो गया, जो इसके एक्स की वैल्यू ये ले रहा है वो इसका डोमेन होगा, तो माइनस वन से लेकर कितना आना चाहिए, रूट टू आना चाहिए, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज होगा। अब अगर रेंज निकाल देना है तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए देख लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। माइनस से प्लस वन तक के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये तो कंटिन्यूस ग्राफ होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो अगर ये माइनस वन है इसका और अगर ये प्लस वन है तो ये जीरो पे आएगा वन, जीरो पे आएगा कितना, जीरो पे आएगा वन, मतलब वन से स्टार्ट करेगा ग्राफ और वन पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू, ठीक है ना। और वन से लेकर टू के बीच में, वन से लेकर टू के रूट टू के बीच में कितना आना चाहिए, ये आएगा थ्री से स्टार्ट होगा और होगा फाइव तक, वन से लेकर रूट टू के बीच में स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, थ्री से, और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा फाइव तक, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इसका रेंज जो होगा, क्योंकि ये वन पे यहाँ पे ओपन था इसलिए ये वैल्यू हमने ओपन रख दिया, रूट टू पे क्लोज था इसलिए यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके रेंज कितना आ जाएगा फिर, अब रेंज आ जाना चाहिए वन से लेकर कितना, टू तक, ये भी क्लोज होगा और ये भी क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्लोज है और यहाँ पे वैल्यू क्लोज है, बराबर ना। और यूनियन होगा ओपन थ्री से लेकर फाइव तक, और फाइव कैसा है, क्लोज आएगा, बराबर है क्या। तो ये बन गया इसका रेंज, ठीक है। ओके एक और लास्ट क्वेश्चन था कौन सा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के सॉल्यूशंस कितने हैं, है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के कितने सॉल्यूशंस है। तो देख लो फिर, ये ग्राफ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, ये वाला ग्राफ है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ मिल गया है मुझे, बराबर है क्या। और इक्वल्स टू अगर टू की अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो ये वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ, तो ये हो गया, बस वाई इक्वल्स टू टू का ग्राफ निकालो, ये जितनी बार एक दूसरे को कट करेंगे उतने इसके सॉल्यूशंस हो जाना चाहिए। तो ये होगा वाई इक्वल्स टू टू की लाइन, और एक बार ये यहाँ पे कट कर गई, एक बार यहाँ पे कट कर गई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो है टू, और वो कौन से है, एक्स की वैल्यू माइनस वन एंड प्लस वन, ये दो सॉल्यूशंस है, बराबर है क्या। ये हो गया किसका आंसर, इस वाले का आंसर।
ठीक है, तो आपको ये बात समझ में अगर आ रही है तो क्या कर लो, आपको करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, मतलब ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल देना है, उसका डोमेन निकालो, उसका रेंज निकालो और इसको ही उल्टा कर दो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू के कितने सोल्यूशन है वो देख लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो, बराबर क्या, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करके या फिर मैसेज भेज दो कि ये नहीं आया है समझ में, तो मैं इसको आगे भी इसको कवर कर सकता हूँ, बराबर क्या। अगर आप फंक्शन का टॉपिक अगर देख रहे हो तो मोर देन 60% जो प्रॉब्लम्स है वो कंपोजिशन के ऊपर ही डिपेंड होंगे, बराबर क्या, किसी भी केस में, मतलब इनवर्स में या फिर इवन ऑड में या फिर पीरियोडिक में या फिर कौन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, सारे में, रेंज डोमेन में भी, ये सारे में कंपोजिट का ही पार्ट ज़्यादातर आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बोल दो, मैं फिर से दोबारा इसको कर लूँगा, ठीक है ना, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसको देख लो, मतलब बहुत स्लोली मैं गया हूँ, वैसे हर एक स्टेप को इंक्लूड कर दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लो, आपको अगर आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे भेज दो इसका सॉल्यूशन, जो भी मुझे भेज दो, मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है वैसे आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, तो ये दो, ये प्रॉब्लम कर लो आप, ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन जो है मुझे भेज दो, तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे वाले में अभी कंपोजिट में हमको क्या क्या देखना है, अब इसके पीरियोडिक सिटी देखना है, मतलब पीरियोडिक कब बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये अंदर वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, बाहर वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर डोमेन रेंज तो देख लिया है, इवन ऑड भी देख लिया है, फिर इसका इनवर्स वगैरह बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, जय।